गाड़ी खराब हो गया है, जो कि सुबह से परेशान परेशान है। ये खुला भाई, आप सब तो खाए होंगे, जो कि इसको गिलास से कट करके छोटा छोटा सा पूरी की तरह। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। गाइज अभी दोपहर का हो रहा है 12 और अभी हम सब बहुत परेशान हैं। आप हमारा हालत देख सकते हैं, हाथ का हालत और शरीर का हालत। और यहाँ पर हम जहाँ बैठे हुए हैं, घर में नहीं बैठे हुए हैं, किसी शॉप पर बैठे हुए हैं। यह शॉप शक्ति भैया का है, गौशाला रोड में। देख सकिए छोटा मोटा दुकान है। और हमारे भाई साहब का गाड़ी ख़राब हो गया है, जो कि सुबह से परेशान परेशान है। देखिए सारा पार्ट पुर्जा खोल चुके हैं, चूहा ये तार को काट के हटा दिया है अलग, और यहाँ पर एक तार लगता है, वो भी शक्ति भैया ठीक कर रहे हैं उस साइड में। और पूरा कवाड़ी हो चुका है गाड़ी। कल चल रहा था गाड़ी और एकाएक बंद हो जाने के कारण इतना प्रॉब्लम आया है। 4-5 घंटा से इस गाड़ी में लगे हुए हैं, चूहा तार काट दिया है, उसी चीज़ को रिपेयरिंग करते हुए। ये देखिए मेहनत करते करते परेशान हो चुके हैं। अब देखते हैं कब तक गाड़ी ठीक होता है। गाड़ी ना सेल्फ ले रहा है, ना किक से स्टार्ट हो रहा है। शक्ति भैया यहाँ पर काम करते करते एक पार्सल मंगाए हैं फ्लिपकार्ट से, तो इसको देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये खुला भाई, ओहो घड़ी है भाई, घड़ी स्मार्ट वॉच तो नहीं इसे कहा जाए, डिजिटल वॉच ये है। लाइट वाइट सारा चीज़ जल रहा है इसके अंदर। दोस्तों गाड़ी बन गया है पूरा अच्छी तरह से, और अभी तक चालू हुआ नहीं है, पूरा कसा गया है, लेकिन चालू हो गया। अरे वाह, पता भी नहीं चल रहा है, वाह। दोस्तों गाड़ी बन चुका है, अपना भी गाड़ी स्टार्ट कर दिए हैं। चलिए अब घर, घर पैसा भी पेमेंट हो चुका है, अब मज़ा आ रहा होगा गाड़ी चलाने में। इसे सुबह से परेशान परेशान थे। अब कैसा लग रहा है गाड़ी? बहुत परेशान था कि मेरा गाड़ी को क्या हो गया है, इसलिए मैंने भैया जी को बोला। भैया जी ने हमको टाइम दिए, अपना टाइम, महत्वपूर्ण टाइम दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी हुई कि आप मुझे टाइम दिए, अपना योगदान किए। बस 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 भाई, और कितना गुण गाइएगा, मेरा गुण गाने से कोई फ़ायदा नहीं। दोस्तों आ चुके हैं घर सुबह से परेशान परेशान हम दोनों भाई। चलिए अब खाना पीना खाते हैं, कुछ खाना सुबह से नहीं खाया है। चलो गेट खोलो। गाइज इस गाड़ी के कारण कल से परेशान थे हमारे फ्रेंड, अपना भी गाड़ी को साफ कर लिए हैं। और ये देखिए सोई हुई थी ना, अपना काम कर रही थी। चलिए गाइज आ चुके हैं घर के अंदर, अब हाथ मुंह आराम से धोते हैं, क्योंकि पूरा पसीना पसीना हमारे फ्रेंड भी हो चुके हैं, मेरा भी तो शक्ल देख ही सकते हैं। और टाइम देखिए पक्का 3 बजे घर पहुंचे हैं। चलिए अब हाथ हाथ ऊपर धोइए, चलिए खाना पीना खाते हैं। और अपना खाना भी आ चुका है गाइज, ये देखिए हम दोनों फ्रेश भी हो चुके हैं। ये रहा खाना, दाल भात चोखा और पापड़। दोस्तों खाना पीना हो चुका है, टाइम हो गया है 5:30, अब 6 बजने वाला है, तो अब इन्हें विदाई का समय आ गया है। चलिए आराम से निकलिएगा, ठीक है, चलिए ना, बाय बाय। सुबह से उठे हैं, बस उसी के गाड़ी में परेशान है। चलिए अब चलते हैं, ब्लॉग को एडिट करते हैं फटाफट। सो फाइनली गाइज मस्त नहा धो लिए हैं, 9 बजे, और यहाँ पर बना रही है रोटी या और कुछ, आप तब तक गैस करके बताइए क्या चीज़ यहाँ पर बन रहा है। अभी चाय बिस्किट खा के देखिए कैसे फेंक दी है, और कितना बड़ा बड़ा रोटी बना रही है। आप सोच सकते हैं कि ये रोटी बन रहा है या और कुछ बन रहा है, आप तब तक थोड़ा देर के लिए कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए हम दे रहे हैं 3 सेकेंड का वक्त, तो आप ज़रूर बता दीजिएगा। आपका टाइम चालू होता है अब। तो गाइज ये बनाने वाली है क्या? क्या बनाने वाले? पिट्ठा, दल पिट्ठा बनाने वाली है, जो आप सब तो खाए होंगे, जो कि इसको गिलास से कट करके छोटा छोटा सा पूरी की तरह। हाँ। उसके बाद मोड़ा जाता है, ठीक ना? आपको सारा प्रोसेस दिखलाते हैं फटाफट से।
चलिए, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और सामने में टीवी भी चल रहा है तो म्यूजिक लगा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से सारा गोल गोल सा फूल टाइप का बनेगा। देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है गोल गोल सा देखने में। इसी को दाल में डालकर दल पिट्ठो बनेगा। तो फाइनली रिपोर्ट दिखलाते हैं आपको बन जाने के बाद, क्योंकि ब्लॉग धीरे धीरे ज़्यादा ही बड़ा होते जा रहा है। आज तो सारा दिन आप सब देखे हैं, अपने फ्रेंड के काम में व्यस्त हो गए थे, उसका गाड़ी खराब हो गया था। फटाफट से आज बन रहा है दल पिट्ठो। खाए थे बहुत दिन पहले, जिस समय हम YouTube पर नहीं थे उसी समय, और आज बन रहा है। एक मन किया है खाने का, तो चलिए खाते हैं। आज बनेगा तो देखते हैं कितना ही प्यारा लगता है, क्योंकि बहुत दिन के बाद बन रहा है। आज एकाएक इच्छा कर गया है खाने का, तो बना रही है यहाँ पर बैठकर, और सामने में टीवी चल रहा है तो टीवी को देखते हैं। दोस्तों ये देखिए कितना ही प्यारा बना चुकी है। एकदम सजा कर रखी हुई है। अब जा रही है इसे दाल में डालने के लिए। आधा दाल बन चुका है गाइस और आधा में बचा हुआ है, तो अभी आ चुकी है यहाँ पर दाल में डालने के लिए। ये देखिए दाल अच्छे से बन चुका है, आधा दाल बना हुआ है, आधा बाकी है। और इसका हेल्प हम भी कर रहे थे, आपको दिखा देते हैं सब। बाद में आप सबको बोलना ना पड़े कि हम इसे हेल्प नहीं करते हैं। ये देखिए हाथ में आटा लगा हुआ है, अब एक एक करके सबको डाल रही है सभी आटा का। ये इसका चिड़ैया नाम होता है गाइस, और इसका घोंसला नाम होता है। हम सब जैसा नाम रखते हैं, चिड़ैया घोंसला। खाना निकलता है फिर दिखलाते हैं क्या ही ज़बरदस्त दिखता है बनने में, या पूरा ख़राब कर देती है। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत पहले बनाए थे तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब दाल को गलाते हैं तो उसके साथ वो भी गल जाता है, पूरा गल के मिल जाता है। आज देखते हैं किस टाइप से बनेगा। प्याज और लहसुन है, और ये मिर्चा और जीरा। दोस्तों हमारा देखिए दल पिट्ठी बनकर आ चुका है चोखा और अचार के साथ, जो कि मस्त बना कर लेके आई है। अब खाने के बाद स्वाद आपको कल बताएंगे कैसा रहता है स्वाद। चलिए खाना भी स्टार्ट हो चुका है। मेरा तो ये बहुत दिन से मन कर रहा था खाने के लिए, लेकिन बोलने के बाद बनाई है। रात का 10:30 बज चुका है। चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं तक। आई होप आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।